तो डेडपुल एंड वल्वरिन मूवी की ऑफिशियल ओटीटी रिलीज डेट निकल कर आ चुकी है, तो ये बहुत ज़्यादा सही बात है। लेकिन हाँ, रिलीज डेट थोड़ी आगे बढ़ गई है, तो इससे थोड़ा हम बात करेंगे इसकी कंफर्म 100% कंफर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार की हिंदी डब की रिलीज डेट के बारे में कि मूवी कब देखने को मिलने वाली है। आई एम श्योर बहुत लोगों को इस मूवी की रिलीज डेट को लेकर थोड़ा कन्फ्यूजन है, तो वो मैं क्लियर करने वाला हूँ। तो जाने के लिए वीडियो को एंड तक देखते रहे, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। दोस्तों, मैंने आपको कई सारे अपडेट्स दिए इस मूवी को लेकर, जहाँ पर मैंने आपको पहले बताया था, बहुत पहले बताया था कि मूवी आपको 13 नवंबर के अराउंड देखने को मिलेंगी। फिर जो नई रिपोर्ट्स आना स्टार्ट हो गई, वो दोस्तों रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये कहना था कि मूवी 3 नवंबर को देखने को मिलेंगी। लेकिन दोस्तों, अब डिज्नी प्लस हॉटस्टार वालों ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दिया जो कि थोड़ी अलग है, तो हाँ, ये जानना आपके लिए जरूरी है। बात करें इसकी लैंग्वेजेस के बारे में, तो तमिल, तेलुगु, मलयालम, जितनी भी लैंग्वेज में मूवी रिलीज हुई थी, सारी की सारी लैंग्वेज आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर देखने को मिल जाएंगी। और दोस्तों, ज्यादातर लोग तो भोजपुरी वर्जन के लिए एक्साइटेड है, तो सारी लैंग्वेज से लोगों को क्या लेना देना। और दोस्तों, हिंदी डब जो वर्जन है, ये भी आपको डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जुगाड़ू जगह पर ऑफिशियल हिंदी डब में आ जाएगा। बात करें इसकी रिलीज डेट क्या होने वाली है, तो जैसे मैंने बताया कि मैंने 3 नवंबर बोला था, उसके बाद दोस्तों और भी रिलीज डेट बताई थी, लेकिन वो सारी चीज़ें हो चुकी है चेंज। और डिज्नी प्लस हॉटस्टार ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट में ये कहा है कि भाई, ये जो मूवी देखने को मिलेंगी, वो देखने को मिलेंगी 12 नवंबर को। हाँ गाइस, 12 नवंबर को ये हमें मूवी देखने को मिल जाएगी डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर, हिंदी डब के साथ साथ सारी ही लैंग्वेज में। तो ऐसे कुछ इसकी रिलीज डेट है जो कि बिल्कुल कन्फर्म है। क्या सोचते हो मूवी के बारे में, एक्साइटेड हो या नहीं, कमेंट में बता देना। वीडियो पसंद आएगी वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। चलो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में।